बड़ों के बाप और कनियों के बाप, चित भी मेरी पट भी मेरी, भ्रष्टाचार से निकाले हुआ व्यक्ति भी ऐना दिखाता है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह छेदी पास पास। और अब आए बेल मुर्गी के तर, ऊंट आए पहाड़ के तर। स्पीकर साहब, बेचारा स्पीकर, जिनके हाथ में अकूट पावर हो, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कहना पड़ता है कि यहां विधायक अपराधी माफिया और पहले से लखीसराय अपराधी माफियाओं से भरा हुआ है। स्पीकर साहब, इतना कमजोर कायर और दम नहीं है, औकात नहीं है तो रिजाइन क्यों नहीं कर देते? माफियाओं के घुटने तले तरवा चाटने वाले सभी लोग, आपकी पार्टी भी तो एमएलसी सभी माफियाओं को टिकट दे रही है। हमाम में सब नंगे हैं ना स्पीकर साहब, हर डाल पर उल्लू बैठा है, जामे गुलिस्ता क्या होगा? सोचिएगा, अंतरात्मा से पूछिएगा। अभिषेक मिश्रा को बेल मिल गई है स्पीकर साहब, 7 किसानों को मारने वाला, फिर मारिएगा ना? चारों तरफ आपके ही जलवे हैं। सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का, किसको सुना रहे हैं? सरकार आपकी, सदन में प्रस्ताव लीजिए और सरकार गिरा दीजिए। एक चिट्ठी गवर्नर को भेजिए और स्पीकर साहब, राजद जो बीजेपी की बी टीम बनी हुई, आराम से सरकार बनाइए, यानी तो चुनाव में जाइए। समाज को जो सुरक्षित न रख सके और अपराधियों से डर जाए, जिस मंत्री मुख्यमंत्री स्पीकर का थानेदार बात ना सुने, और जिस स्पीकर को एक थानेदार को हटाने की औकात ना हो, वह बिहार या किसी विधानसभा के कानून और संविधान का संरक्षण नहीं कर सकता। बीजेपी की भाषा कम बोलिए, संविधान की भाषा ज्यादा बोलिए। मंत्री से मिलिए और अपनी औकात दिखाइए कि मैं जो चाहता हूं वही होगा। लखीसराय एक अलग राज बना करके दिखा, नहीं तो पप्पू यादव को एक जिला दे दीजिए स्पीकर साहब, और 1 महीना के लिए कुर्सी छोड़ दीजिए, आपको लखीसराय का पता चल जाएगा। इसलिए इतना कमजोर व्यक्ति अपने समाज का संरक्षण नहीं कर सकता है। मैं बार बार कहता हूं कि लखीसराय ही नहीं, पूरा बिहार माफियाओं और अपराधियों के संरक्षण में चल रहा है, और सत्ता पक्ष विपक्ष सब मिलकर जय जयकारा करे जा रहे हैं माफियाओं के, 47 के, शराब माफिया के, बालू माफिया के। आप बगैर इन माफियाओं के जी ही नहीं पाइएगा, करबट्टी नहीं बदल पाइएगा, खाना नहीं धसेगी, आप लोगों का जेबर नहीं पहुंचेगा, और आप लोग का महल तैयार ही नहीं होगा। बेटा बेटी को गाड़ी मिलेगा ही नहीं, माफिया गाड़ी खरीदेंगे तो आपके घर में लगेंगे। आपका घर और राजनीति ही माफियाओं के पैसे से चलता है, तो फिर हिम्मत कहां से होगी चुनौती देने की? बात रही कौन है सुपर डुपर मुख्यमंत्री, तो सोचना आपको है। अब लड़ाई पहले लड़ तो लीजिए। आपका संतुलन संतुलित है या सुपर मुख्यमंत्री का? और फिर बिहार मांगे आजादी, बिहार मांगे न्याय, इसको लेकर चलिए। धन्यवाद।